नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का इस कथा पटल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कोरोना जैसी भयंकर महामारी का सामना करता हुआ यह विश्व अब जैसे तृतीय विश्व युद्ध की सीमा पर आ पहुंचा है। मानवता संकट में है, परंतु हम सभी यह देख रहे हैं कि कैसे अभी भी कुछ देश एक तरह के तमाशे में व्यस्त हैं। इस कहानी को सुनकर ऐसा लगेगा कि बस कुछ दिन पहले ही लिखी गई है। क्या करें, देश और दुनिया के हालात ही ऐसे हैं। इस कहानी के लेखक हैं वरिष्ठ समकालीन लोकप्रिय कथाकार श्री असगर वजाहत जी, जो साहित्य और समाज के प्रति अपने लेखकीय धर्म को पूरी जिम्मेदारी से निभाने के लिए जाने जाते हैं। श्री असगर वजाहत जी 2014 में नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 2016 में दिल्ली हिंदी अकादमी के सर्वोच्च शलाका सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। तो आइए सुने वजाहत जी की कहानी, तमाशे में डूबा हुआ देश। मैं पहले कहानियां लिखा करता था, अब मैंने कहानियां लिखना छोड़ दिया है, क्योंकि कहानी लिखने से कोई बात नहीं बनती। झूठे सच्चे पात्र गढ़ना, इधर उधर की घटनाओं को समेटना, चटपटे संवाद लिखना, अपनी पढ़ी हुई किताबों की जानकारियों और अपने ज्ञान को कहानी में उलट देने से क्या होता है। मैं अपने दूसरे कहानीकार मित्रों को सलाह देता हूँ कि वे कहानी वहानी लिखने का काम छोड़ दें। हमारे देश में जहाँ हर पल हर जगह कहानी से ज़्यादा निर्मम घट रहा हो, वहाँ कहानी लिखना बेकार की बात है। अपने चारों तरफ निगाह उठाकर देखिए, आपको बिखरी पड़ी कहानियां देखकर अपने कहानीकार होने पर शर्म आएगी, जो मुझे आ चुकी है, और मैंने कहानियां लिखना बंद कर दिया है। लेकिन चूंकि लिखने की आदत पड़ चुकी है और लिखे बिना चैन भी नहीं आता, इसलिए सोचा है कि मैं कहानियां ना लिखकर वाक्या लिखा करूंगा। वाक्या उर्दू का शब्द है जिसका मतलब घटना निकाला जा सकता है, लेकिन शायद बात पूरी बनेगी नहीं। वाक्या किसी ऐसी सच्ची घटना का विवरण कहा जा सकता है जो रोचक, नाटकीय और मनोरंजक हो, केवल घटना मात्र ना हो। अगर मैं आपको सिर्फ घटनाएं सुनाने लगूंगा तो उसमें कुछ मजा ना आएगा और आप मुझे बेवकूफ और मूर्ख समझकर पढ़ना बंद कर देंगे। हो सकता है यह काम आप वाक्या सुनने के बाद भी करें, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि कुछ और करें या ना करें, वाक्य को सुन लेंगे। यह सच्चा वाक्या है। बहरहाल, सच्चाई तो वैसे भी सामने आ जाएगी। मेरे कहने से न सच झूठ हो सकता है और न झूठ सच हो जाएगा। हमारे ही देश के एक शहर में एक आदमी गायब हो गया और दो कुत्ते के पिल्ले गायब हो गए। मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वाक्या निगार होने का यह मतलब नहीं है कि मैं लोगों का दिल दुखाऊं और अपना जीना हराम कर लूं। आप जानते ही हैं कि आज हमारे अहिंसक देश में हर तरह की हिंसा तरक्की पर है। पहले जो बात तूतू मैमे पर खत्म हो जाती, अब तो वह हत्या का कारण बन जाती है। अब तो हत्यारों का सम्मान होता है। मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ, वहाँ जिसने जितनी हत्याएं की होती हैं, उसका उतना ही सम्मान होता है। यही कारण है कि आज तक मेरे इलाके में मेरा सम्मान नहीं हो सका, क्योंकि मैं तो मक्खी मारने के लायक भी नहीं हूँ। सम्मान के मानदंड बदल गए हैं। इसे साबित करने के लिए मिसाल के तौर पर एक और वाक्या। विधानसभा के चुनाव हो जाने के बाद कुछ नेतागण विधायक कैंटीन में बैठे बातचीत कर रहे थे और सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आपने कहां से कंटेस्ट किया था। ध्यान दे, उनमें लोकतंत्र की भावना कितनी प्रबल थी, वे हारने या जीतने की बात नहीं कर रहे थे। सबने बताया कि उन्होंने कहां कहां से कंटेस्ट किया है। एक आदमी से पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने कहीं से कंटेस्ट नहीं किया है। सब उसे देखकर हैरत में पड़ गए और कहा, जाइए, जाकर काउंटर से 6 चाय लेकर आइए। तो अब बात लोकतंत्र की शुरू हो गई है, तो एक वाक्या और सुनिए।
विधानसभा के सामने किसी मुद्दे पर अनिश्चितकालीन अनशन जारी था, किसी सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर किसी संस्था की ओर से प्रतिदिन एक आदमी अनशन पर बैठता था। मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने देखा कि अनशन पर बैठा आदमी तो पम्मी शर्मा है। मैं उसे जानता हूँ, वह एक उभरता हुआ नेता है और उसने अपने लिए सभी पार्टियों के दरवाजे खुले रखे हैं। मैंने सोचा क्यों न पम्मी शर्मा से मिल लूँ, ऐसी कठिन घड़ी में मेरे दो शब्द उसे ताकत देंगे। और फिर पम्मी से कोई काम पड़ा तो उसे याद रहेगा कि मैंने कठिन छड़ों में उससे कुछ अच्छे शब्द कहे थे। तो गरज यह कि मैं उसके पास गया, वह मुझे देखकर इतना खुश हो गया जितना पहले नहीं होता था। उसने बताया कि अनशन 40 दिन से चल रहा है। मुझे अपने देश के विकसित लोकतंत्र पर गर्व हुआ। मैंने उसकी तारीफ की। उसने कहा, यार एक दिन के लिए तुम भी अनशन पर बैठ जाओ। मैं पहले तो चौंका, कुछ घबराया, पर उसने कहा, यार एक दिन की बात है, सुबह बैठोगे शाम को खत्म हो जाएगा। मैं तैयार हो गया, सोचा ठीक है, देश की लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करने के लिए इतना तो करना चाहिए। तो मैं अगले दिन सुबह सुबह वहां पहुंच गया। वहां 7-8 लोग चाय पी रहे थे, पम्मी शर्मा भी था। उसने मुझे गद्दी पर बैठाया, गले में गेंदे के फूलों की माला डाली, तिलक लगाया, मेरा अनशन जारी हो गया। मैं अपनी आत्मा को उत्फुल्ल महसूस करने लगा। थोड़ी देर में पम्मी मेरे पास आया और बोला, किसी आदमी का इंतजाम कर लेना। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। वह समझ गया था कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। वह बोला, जो अनशन से हटेगा उसे टेंट वाले का, चाय वाले का, जूस वाले का, माली का पेमेंट करना होगा। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यार उस संगठन के लोग कहाँ हैं जिन्होंने अनशन कराया है। उसने कहा, वे तो सब अपने अपने घर चले गए, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक आदमी का इंतजाम कर लो। और सुनो, वह जाने से पहले बोला, शाम को जूस वाले से जूस मंगा लेना, उसके वहां भी हिसाब चल रहा है। पम्मी चला गया। पम्मी ने अपनी टोपी मेरे सिर में फिट कर दी थी। मैं अब समझा कि यही है हमारा लोकतंत्र। अब मेरे साथ क्या हुआ यह मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस यह समझ लीजिए कि अब मैं उस शहर में नहीं जाता जहां अनशन पर कभी बैठा था, क्योंकि टेंट वाला, चाय वाला, जूस वाला सब मुझे तलाश कर रहे हैं। पम्मी से मैंने यह बताया था कि यार टेंट वाला, चाय वाला वगैरह मुझे खोज रहे हैं, तो वह लापरवाही से बोला था, खोजने दो सालों को, इस देश में यही हो रहा है, किसी न किसी को कोई न कोई खोज रहा है और किसी को कोई नहीं मिलता, तुम आराम से अपने लिखने पढ़ने के काम में लग जाओ। तो मैं पम्मी की सलाह पर लिखने पढ़ने के काम में लग गया हूँ और यह वाक्या लिख रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैंने बात शुरू की थी एक शहर में एक आदमी और कुत्ते के पिल्लों के गायब होने से, लेकिन होते होते मैं देश के लोकतंत्र पर आ गया। दरअसल वाक्या निगारों की यही कमी होती है, बात शुरू तो कर देते हैं पर जानते नहीं कि बात कहाँ पहुँचेगी। तो जनाब, एक शहर में एक आदमी गायब हो गया। उसकी पत्नी पता चलाने पुलिस के पास गई तो पुलिस ने कहा, अभी तक कोई सिरकटी लाश मिली नहीं है, जैसे मिलेगी बता दिया जाएगा। पत्नी यह सुनकर डर गई। पुलिस ने कहा, इस देश में मौत से डरोगी तो रह नहीं सकती, हम लोग मौत से नहीं डरते, आत्मा पर हमारा विश्वास है, मौतें तो इस देश में ऐसे आती हैं जैसे दूसरे देशों में बहार आती है। देखो देखो, 10-5 हजार औरतें तो जला दी जाती हैं, 10-20 हजार सड़कों पर कुचलकर मर जाते हैं, पता नहीं कितने दंगों में मार दिए जाते हैं, अकाल और बाढ़ की तो पूछो ही मत, नौकरी पाने के इच्छुक गोली खा के मर जाते हैं, आतंकवादी हजारों को मार डालते हैं। अब काजल की कोठरी में रहकर काला होने से क्यों डरना, शुक्र करो तुम्हारे आदमी की लाश नहीं मिली है, हो सकता है अपहरण हो गया हो, फिरौती के लिए चिट्ठी या फोन आए। औरत बोली, दरोगा जी हमारे पास क्या है जो फिरौती के लिए कोई अगवा करेगा, दो टाइम खाने को नहीं जुटता।
तब तो अपहरण की ट्रेनिंग लेने वालों ने अभ्यास के तौर पर पति का अपहरण कर लिया होगा। ये क्या होता है दरोगा जी? देखो, देश में बहुत से प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। अपहरण उद्योग के रिटायर्ड लोगों ने मिलकर अपहरण कॉलेज खोल दिया है। अच्छी फीस लेते हैं, अपने छात्रों से कहते हैं नमूने के तौर पर किसी का अपहरण करके दिखाओ। वे लोग तेरे पति को छोड़ देंगे, बशर्ते कि पुलिस वाला बोलते बोलते रुक गया। औरत ने पूछा, क्या बशर्ते कि दरोगा जी? देखो, यह भी हो सकता है कि अपहरण के प्रयोग के बाद उन्होंने तेरे पति को किसी दूसरे स्कूल में पहुंचा दिया हो। क्या मतलब? अरे देख, हत्या करना, गोली मारना, गला काटना आदि आदि सिखाने के भी तो स्कूल खुले हैं ना। सुनकर औरत रोने लगी। पुलिस बोली, रो मत, हो सकता है मानव अंगों की तस्करी करने वाले किसी गिरोह ने पकड़ लिया हो। तेरा पति आ जाएगा, पर ये समझ ले एक गुर्दा नहीं होगा, या मान ले। औरत रोने लगी। पुलिस ने कहा, अब यहाँ थाने में ना रो, यहाँ औरतें रोती हैं तो लोग जाने क्या क्या समझते हैं, यहां से तो तुझे हंसते हुए जाना चाहिए। तो ये तो हुई आदमी के गुम हो जाने की बात। अब सुने कुत्ते के पिल्लों की गुमशुदगी की दास्तान। दरअसल जो कुत्ते के पिल्ले खोए हैं उन्हें कुत्ते का पिल्ला कहने से डर रहा हूं। उसकी वजह है, आपको तो मालूम ही है कि कुछ साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जब अपने दल बल के साथ दिल्ली आए थे, उनके साथ कुत्ते भी थे। उनके कुत्तों की प्रतिष्ठा, गरिमा, पद आदि के बारे में पता न होने के कारण एक भारतीय अधिकारी ने उन्हें कुत्ता कह दिया था। बस इसी बात पर उस अधिकारी के खिलाफ कुत्तों की मानहानि का दावा कर दिया गया। अदालत में अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि ने कहा, ये कुत्ते नहीं हैं, इनके नाम और पद हैं। एक का नाम जैक जॉनी, वह मेजर के पद पर है। दूसरे का नाम स्टीव शॉ, जो कैप्टन है। तीसरी कुतिया का नाम लिंडा जॉन्स है, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, और वह सेकेंड लेफ्टिनेंट है। अदालत ने इन अधिकारियों की मानहानि करने के सिलसिले में संबंधित अधिकारी को सजा सुनाई थी और आदेश दिया था, भविष्य में इन कुत्तों को कुत्ता नहीं कहा जाएगा। यही वजह रही कि राजधानी के समाचार पत्र बड़े आदर और सम्मान से कुत्तों के नाम और पद छापते रहे। आप हम सब जानते हैं कि वैसे भी हमारे समाचार पत्र कुत्तों का कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि तो उससे लाभ हानि जुड़ी होती है। तो हुआ यह कि एक रात 2 बजे मंत्री पुत्र के घर से थाने फोन आया। थाने की नींद उड़ गई। मंत्री पुत्र ने डांटा और कहा, तुम सोते रहते हो और चोर चोरी करते हैं, तुम्हें पता है बेबी रतन और बेबी गौरी का अपहरण हो गया है। थाने में तुरंत कार्यवाही की बात उठी, पर सब जानते थे कि मंत्री पुत्र अभी तक अविवाहित हैं और उसने कसम खाई है कि जब तक वे मंत्री नहीं बन जाएंगे शादी नहीं करेंगे। ऐसी हालत में बेबी रतन और बेबी गौरी कहां से आ गए? इस सवाल का जवाब कोई न दे सका तो हवालात में बंद एक अपराधी ने दिया। उसने बताया, बेबी रतन और बेबी गौरी मैडम लूसी और सर जॉनसन की औलादें हैं, जिन्हें मंत्री पुत्र यूएसए से खरीद कर लाए थे। रतन और गौरी के अपहरण की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। स्थानीय पत्रकारों के बाद टीवी चैनल वाले धमक पड़े। पूरा थाना कैमरों लाइटों भर गया। कुछ टीवी वाले मंत्री पुत्र की कोठी पर पहुंच गए। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज जलवा चैनल ने दी, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज समकूल चैनल पर शुरू हुई, उसके बाद तो घमासान शुरू हो गया। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी चलने लगी। रतन और गौरी के स्टिल्स और फुटेज की मांग इतनी बढ़ गई कि प्रोडक्शन हाउस वाले पागल हो गए। चैनलों में तूफान मच गया। एक रिपोर्टर की नौकरी इसलिए चली गई कि वह रतन की फोटो नहीं ला सका। दूसरे चैनल में किसी का प्रमोशन हो गया कि वह मंत्री पुत्र की बाइट ले आया। एक पत्रकार को पीटा गया क्योंकि उसने मंत्री पुत्र के कुत्ता घर में घुसने की कोशिश की थी। 2 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए क्योंकि 4 घंटे हो गए थे और रतन गौरी का पता नहीं लगाया था। डीएम का ट्रांसफर होते होते बचा और एसपी को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया। चैनल वालों ने पुलिस को पटाने का काम शुरू किया। वे चाहते थे कि इस पूरे ऑपरेशन में, जिसे पुलिस ने ऑपरेशन ट्रुथ का नाम दिया था, वे लगातार पुलिस के साथ रहें।
जलवा चैनल वालों ने पुलिस को यह समझाकर पटाया कि ऑपरेशन ट्रुथ के बाद चैनल पुलिस का इंटरव्यू दिखाएगा। यह बात चैनल 456 वाले को पता चल गई। उन्होंने पुलिस को 25,000 नगद देने का वायदा किया और कहा कि जलवा वालों की जगह उन्हें पूरे ऑपरेशन ट्रुथ में साथ रखा जाए। यह बात मून चैनल वालों को पता चली तो उन्होंने गृह मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिसर से फोन कराया और आदेश दिया गया कि पुलिस मून चैनल वालों को प्राथमिकता दे। बात इतने ऊपर पहुंच चुकी थी कि पुलिस वाले डरने लगे। डीएम को लगने लगा कि कहीं प्रधानमंत्री सचिवालय से फोन न आ जाए। पुलिस ने छापे मारने शुरू किए। 4 टीमें बनाई गई। रात दिन रतन और गौरी की तलाश का काम शुरू हो गया। इसी दौरान मंत्री पुत्र के पास फोन आया कि फला फला जगह 50 करोड़ रुपया नहीं पहुंचाया गया तो रतन और गौरी की हत्या कर दी जाएगी। अब स्टोरी का एक नया एंगल निकल आया। चैनल विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे बहस कराने लगे। सुखद यह रहा कि चैनल वालों को इस मसले में विशेषज्ञ बदलने नहीं पड़े। 2-4 आदमी जो राजनीति, समाज, वनस्पति शास्त्र, खगोल शास्त्र के विशेषज्ञ थे और हर तरह के कार्यक्रमों में टीवी पर आया करते थे, वही गौरी और रतन वाले मामले में भी आए। दर्शक यह सोचकर अचंभे में पड़ गए कि राजनीति के मर्मज्ञ कुत्तों के बारे में भी पूरी जानकारी रखते हैं। चैनल वाले गर्व से कहते थे कि हमने ऐसे लोग खोज रखे हैं कि जो संसार की किसी भी समस्या, ज्ञान विज्ञान के किसी भी क्षेत्र, लोक परलोक की किसी भी घटना के बारे में विद्वतापूर्ण ढंग से विचार व्यक्त कर सकते हैं। ईश्वर का करना कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस, सीआईडी, आईबी, रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों ने मिलकर रेड डालने शुरू किए और आखिरकार पता चला कि शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रतन और गौरी को रखा गया है। अपहरणकर्ता पूरे असलहे से लैस हैं। उनके पास बोफोर्स तोपों से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट गन तक मौजूद है। अब तो सेना से मदद लेने की जरूरत पड़ी। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंत्रालय से निवेदन किया और एक लेफ्टिनेंट जनरल के साथ ब्रिगेड भेज दी गई। टीवी चैनलों पर बहस का मुद्दा यह था कि इस ऑपरेशन ट्रुथ में रतन और गौरी सलामत निकल आएंगे या नहीं। टीवी चैनलों के वही विशेषज्ञ जो वनस्पति विज्ञान से लेकर सुपरसोनिक जेटों तक के विशेषज्ञ थे कहने लगे कि इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल तो पूरे फार्म हाउस को ज्वालामुखी की तरह उड़ा देगा और जाहिर है उसमें नन्हे मुन्ने रतन और गौरी के बचने की क्या उम्मीद होगी। तब कहा गया कि यह दरअसल मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, इसे भारत अकेले नहीं लड़ सकता। इसमें तो जब तक अमेरिका का सपोर्ट नहीं होगा यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अमेरिका से कहा गया तो वहां से बड़ा सार्थक और उत्साहवर्धक जवाब आया। अमेरिका ने कहा कि वह तो संसार के हर कोने में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। जहां भी शांति भंग होने, मानव अधिकारों के हनन का सवाल उठता है, अमेरिका उठ खड़ा होता है। और अब चूंकि भारत में ऐसी स्थिति आ गई है इसलिए अमेरिका अवश्य आएगा। यह भारत की सभ्यता है कि वह अमेरिका को आमंत्रित कर रहा है। यदि न भी कर रहा होता तो भी अमेरिका आता, क्योंकि वह विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है। यह उसके एजेंडे का एक और पहला मुद्दा है। यही नहीं, अमेरिका ने घोषणा कर दी कि उसकी सेनाएं ध्वनि से तेज चलने वाले विमानों पर बैठकर भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। हिंद महासागर में अमेरिकी बेड़ों को भारत की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया गया है और यह भी कहा गया कि भारत को चाहिए कि सेनाओं के पहुंचने से पहले कोका कोला और पेप्सी कोला का पर्याप्त भंडार कर ले। मैकडॉनल्ड, हैमबर्गर, अंकल चिप्स वगैरह की जितनी ज्यादा दुकानें खोली जा सकती हैं खुलवा दे, क्योंकि अमेरिकी सैनिक जाहिर है दाल रोटी नहीं खाएंगे। चूंकि यह आदेश था इसलिए इंतजाम पूरा हो गया। बड़े बड़े अमेरिकी बाजार खुल गए जहां सुई से लेके हवाई जहाज तक उपलब्ध था। ऐसी तैयारी का नतीजा भी अच्छा निकला। लेजर बम से रतन और गौरी के एक अपहरणकर्ता को मार गिराया गया। दूसरा तहखाने में छिप गया। उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी पर उसे पकड़ा गया। अमेरिकी सैनिकों ने कहा कि हम इसे अमेरिका ले जाएंगे और चिड़ियाघर में बंद कर देंगे।
ताकि विश्व शांति भंग करने वालों के लिए एक सबक हो। चूंकि अमेरिकी सैनिकों के लिए पेप्सी, कोला, बियर आदि का बड़ा स्टॉक था, इसलिए उन्हें वापस जाने की जल्दी नहीं थी। उन्होंने कहा, हम तो आपके देश से विश्व शांति भंग करने वाली सभी शक्तियों को नष्ट करके ही जाएंगे। उनके इस विचार का स्वागत किया गया और वे जहां पेप्सी पी पी कर मोटे होने लगे। जिस दिन थाने में रतन और गौरी पहुंचे, उसी दिन वहां एक सिरकटी लाश भी पहुंची। रतन और गौरी के मिल जाने की वजह से थाने के चारों तरफ दफा 104 लगा दिया गया था, क्योंकि ओवी वैनों से रास्ता बंद हो गया था और दर्शकों का सैलाब था जो अमेरिकी सैनिकों और रतन गौरी को देखने के लिए उमर पड़ा था। कई बार लाठी चार्ज हो चुका था पर दर्शक काबू में नहीं आ रहे थे। वे जय जयकार कर रहे थे, खुशी के मारे आपे से बाहर हुए जा रहे थे। इसी बीच मैली कुचैली धोती बांधे तीन बच्चों को संभाले किसी तरह गिरती पड़ती एक औरत थाने पहुंची। उसे पता लग गया था कि आज एक सिरकटी लाश थाने लाई गई है। किसी न किसी तरह यह औरत थाने के अंदर आ गई, जहां टीवी चैनल वाले भरे पड़े थे और अमेरिकी सैनिकों के साथ सिगरेटें पी रहे थे। एकाध बियर की घूंट भी मिल जाती थी। टीबीसी चैनल की राधिका रमन ने देखा कि एक औरत सिरकटी लाश के पास खड़ी उसे पहचानने की कोशिश कर रही है। उसके साथ तीन छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं। राधिका ने अपने बॉस सत्यकाम से कहा, सर ये देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है, सिरकटी लाश को यह औरत पहचानने की कोशिश कर रही है, तीन बच्चे पास खड़े हैं, इसे शूट करें सर। सत्यकाम बिगड़कर बोला, क्या चाहती हो, चैनल बंद हो जाए? राधिका ने कहा, नहीं सर, लेकिन क्यों? सत्यकाम बोले, इस औरत बच्चों और लाश का विजुअल देखकर सीईओ मिस्टर मेहरा मेरी तो छुट्टी कर देंगे। क्यों सर? सत्यकाम बोले, ओ माय गॉड, तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा, अरे हमारे चैनल पर ऐड आते हैं, विज्ञापन, समझी? हाँ हाँ सर, वो विज्ञापन किसके लिए होते हैं, कौन वह सामान खरीदता है, वह क्या देखना, चलो चलो कैमरा लगाओ। रिफ्लेक्टर, साउंड, चैनल का संवाददाता चिल्लाने लगा, क्योंकि थाने के अंदर बड़े खूबसूरत मंच पर रतन और गौरी को लाया जा रहा था। उनके पीछे पीछे मंत्री पुत्र भी आ रहा था, पीछे अधिकारी, सेना के पदाधिकारी आदि थे। संगीत बज रहा था, कबूतर और गुब्बारे हवा में छोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी आसमान पर रंग बिरंगे करिश्मे दिखा रही थी, पूरी इमारत जगमगा रही थी। लगता था आज 26 जनवरी या 15 अगस्त है। चारों तरफ उल्लास, मस्ती, विजय का भव्य प्रदर्शन व्याप्त था। उस औरत ने सिरकटी लाश पहचान ली थी, यह उसका पति ही था। औरत रो रही थी, पर मौज, मस्ती, आनंद, उल्लास, जश्न, गीत संगीत के माहौल में उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उसके बच्चे अपने फटे पुराने कपड़ों में सहमे सिकुड़े मुंह खोले मंच पर होने वाले तमाशे में डूबे हुए थे। वे न तो अपनी माँ को देख पा रहे थे, न बाप की सिरकटी लाश को। दोस्तों, वर्तमान के यथार्थ को प्रस्तुत करती यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से समकालीन लोकप्रिय कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।